Good morning, student. I hope you all are doing well. Student, today in this video we are going to do companion activities of chapter 2 at page number 17. I hope आप सभी ने previous videos देखे होंगे और सारी book activities कर ली होंगी. Please आप लोग अपनी book और work स्कूल में सबमिट कराइए चेक करने के लिए. नाउ ओपन योर कंपेनियन बुक एट पेज नंबर 17. दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन जेंडर. सो स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट आर जेंडर्स? अ स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. मैस्कुलाइन में कौन से आते हैं? जिसमें हमें मेल मेंबर्स के बारे में पता चलता है. और फेमिनाइन में, जिसमें हमें फीमेल के बारे में पता चलता है. सो स्टूडेंट, मैस्कुलाइन स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फेमिनाइन स्टेट ऑफ बीइंग फीमेल. ओके, फॉर एग्जांपल मैस्कुलाइन के एग्जांपल्स होंगे बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, किंग, लायन. ये सब किस में आएंगे? मैस्कुलाइन में. एंड फेमिनाइन में फीमेल मेंबर्स आएंगी, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू दिस एक्टिविटी. ड्रॉ लाइंस टू मैच द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स विद देयर फेमिनाइन फॉर्म. आपको यहाँ पे मैस्कुलाइन दिए हैं और फिर उसके फेमिनाइन. आपको यहाँ जो करेक्ट फेमिनाइन होगा मैस्कुलाइन का, उसको मैच करना है. सो किंग का क्वीन, मैन वुमेन, बॉय गर्ल, बुल काउ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ब्रदर का क्या होगा? सिस्टर, अंकल, आंट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. मैस्कुलाइन स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फेमिनाइन स्टेट ऑफ बीइंग फीमेल. ओके, तो मैस्कुलाइन में सारे मेल मेंबर्स आते हैं और फेमिनाइन में फीमेल मेंबर्स आते हैं. नाउ पेज नंबर 18. रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन बोल्ड. आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो बोल्ड लेटर, बोल्ड में यानी जो डार्क आपको दिए हुए हैं, अगर ये फेमिनाइन है तो आपको इनको मैस्कुलाइन बनाना है, और मैस्कुलाइन है तो फेमिनाइन बना करके सेंटेंसेस को रीराइट करना है. फॉर एग्जांपल राम लव्स हिज सिस्टर, तो यहाँ पे सिस्टर फेमिनाइन है, आपको इसे चेंज करना होगा मैस्कुलाइन में. तो यहाँ क्या आ जाएगा? राम लव्स हिज ब्रदर. ओके, सिस्टर का क्या होता है ऑपोजिट जेंडर? ब्रदर. सेकेंड इज शीला हैज़ अ डॉटर. डॉटर मीन्स बेटी, तो डॉटर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? सन. तो यहाँ क्या आ जाएगा? शीला हैज़ अ सन. थर्ड इज देयर इज़ ए गर्ल इन द पिक्चर. गर्ल यहाँ पे बॉल्ड में दिया हुआ है, आपको इसको चेंज करना है. सो क्या होगा ये सेंटेंसेस को आपको रीराइट करना है? देयर इज अ बॉय इन द पिक्चर. गर्ल का ऑपोजिट जेंडर होगा बॉय. उषा स्टेज विद हर ग्रैंड मदर. सो इसका ऑपोजिट जेंडर होगा उषा स्टेज विद हर ग्रैंड फादर. फिफ्थ इज लता लीव्स विद हर आंट. आंट का ऑपोजिट क्या होता है? अंकल. सो लता लीव्स विद हर अंकल. ओके, सो आपको ये बुक एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है. नाउ पेज नंबर 19. क्रिएट योर ऑन फैमिली ट्री, ड्रॉ एंड नेम द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. आपको यहाँ पे आपका फैमिली ट्री क्रिएट करना है. आप चाहो उनके नेम भी लिख सकते हो और आप उनकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो. देन आपको क्या करना है? क्लासिफाई द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन.
मैस्कुलाइन में आप आपके कौन से फैमिली मेंबर्स रखेंगे? मेल मेंबर्स को, और फेमिनाइन में आप रखेंगे फीमेल मेंबर्स को. ओके, यहाँ आपको आपका फैमिली ट्री क्रिएट करना है और फिर उन्हें मेल और फीमेल में, मींस मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में डिवाइड करना है. पेज नंबर 20 पे आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप क्या है, फादर, फैमिली ट्री में फादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, आंट. ओके, तो ये सब आपको इसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में डिवाइड करना है. मैस्कुलाइन में आप राइट करेंगे अपने मैम मेंबर्स के नेम, और फेमिनाइन में आप राइट करेंगे फीमेल मेंबर्स के नेम. तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको आपको राइट करना है. देन यू हैव टू डू दिस, नंबर ऑफ मैस्कुलाइन मेंबर्स इन माय फैमिली, आपकी फैमिली में मैस्कुलाइन मेंबर्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ फेमिनाइन मेंबर्स इन माय फैमिली, और फेमिनाइन मेंबर्स कितने हैं, आपको यहाँ पे राइट करना है. ओके, सो स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस एक्टिविटीज. आई होप आपको सभी क्लियर हो गई हैं. जेंडर के पे बेस्ड हैं ये, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. मैस्कुलाइन इज़ अ बींग, स्टेट ऑफ बींग मेल, एंड फेमिनाइन इज स्टेट ऑफ बींग फीमेल.